एटीएम का चोर। लाला नगर गांव में एक नया बैंक खोला था, उसके साथ ही एक एटीएम भी खोला। उसका उद्घाटन कलेक्टर ने रिबन काटकर किया। कलेक्टर साहब, पहले गांव में बैंक ना होने के कारण बहुत दिक्कत होती थी। बैंक हो या एटीएम, उसके लिए हमें पड़ोस के गांव पैदल जाना पड़ता था, पर अब आपके कारण ये बैंक हमारे गांव आया है। आपको धन्यवाद। मैनेजर साहब, आपको भी गांव की ओर से धन्यवाद। तब सब ने ताली बजाई। लोगों को जब भी जरूरत होती थी तो एटीएम में जाकर कार्ड डालकर नंबर दबाकर पैसे निकालते थे। उस एटीएम का वॉचमैन था बहादुर। कई दिनों तक लोग उसका प्रयोग करते हुए बहुत खुश थे। अरे यार, एटीएम के आने से काम आसान हो गया है। ये लो, अभी विड्रॉ किया है। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, ले लो। ये ना होता तो पड़ोसी गांव जाना पड़ता था। मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, कहकर पैसे ले गया। इस तरह एटीएम का प्रयोग करते हुए गांव के लोग आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति एटीएम से रुपए विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, पर एटीएम से एक पर्ची बाहर आई। उसमें लिखा था नो मनी। बहादुर, एटीएम में पैसे नहीं है क्या? कल दोपहर को ही पैसे भरे थे। पैसे ना हो ये कैसे हो सकता है? कोई गलती हो गई होगी, दोबारा ट्राई करें। उसने फिर कोशिश की तो पैसे नहीं आए। इस तरह रोज कोई ना कोई आता था, पैसे ना होने के कारण बहादुर से झगड़ा करके चला जाता था। यूं लड़ते हुए कुछ लोगों से बहादुर, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। एक दिन छोड़कर एक दिन इसमें पैसे भरते हैं, पर जल्दी खत्म हो जाता है। कैसे, क्यों, समझ में नहीं आता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे डांट कर आपको क्या मिलेगा? मैंने ये बात मैनेजर को कई बार बताया है। मैं एक बार फिर जाकर उन्हें बताता हूँ, आप बाद में आए। यूं बहादुर बैंक मैनेजर के पास गया। सर, एटीएम में पैसे डालते ही खत्म हो जा रहा है, ये बात मैंने आपको कई बार बताया। लोग आकर झगड़ा कर रहे हैं, मुझे भी खरी खोटी सुना रहे हैं। मेहरबानी करके देखें कि क्या माजरा है। अरे, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना है? कोई ज्यादा पैसे विड्रॉ करके चला गया होगा, इसके लिए तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारा काम है एटीएम की रखवाली करना। उसमें पैसे हैं या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये सब बैंक का काम है, तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। बैंक के बाहर आकर बहादुर थोड़ी देर सोचने लगा। उसे मैनेजर की बात ठीक नहीं लगी। वो तुरंत पैदल पुलिस स्टेशन गया। वहाँ एक एसआई से मिला, उन्हें सब कुछ बताया। इतनी बड़ी रकम निकालने वाला इस गांव में कौन है? इतने दिनों से तुम मैनेजर को बता रहे हो, पर फिर भी वो क्यों इसकी परवाह नहीं कर रहा है? हमें इन सवालों का जवाब चाहिए, चलो चलते हैं। उस दिन रात को मैनेजर छिपकर बैंक के पास आया। ये सब एसआई और बहादुर देख रहे थे। मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर गया। खिड़की से दोनों देख रहे थे। एसआई ने अपने मोबाइल से वीडियो निकालने लगा। मैनेजर एक दीवार के पास जाकर, वहाँ एक गुप्त दरवाजा था। वो एटीएम के पिछले हिस्से से कुछ स्क्रू निकालकर एक कोड दबाया, बस एटीएम खुल गया। उसमें बहुत सारे रुपए थे, उनमें से थोड़े रुपए लेकर बैग में डाला। बाद में आराम से बैंक को ताला लगाकर चला गया। ये सब देख एसआई और बहादुर ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो कह रहे हों कि चोर पकड़ा गया। अगले दिन एक अम्बेसडर कार बैंक के बाहर आकर रुकी। उसमें से कुछ अफसर उतरकर बैंक में आए। मैनेजर से, आप ही हैं मैनेजर? हम ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं। सारा अकाउंट्स दिखाइए, चेक करना है। उन्होंने सारा बुक चेक किया। तब ऑडिटर, जब से ये बैंक खुला है एटीएम में 30 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ 10 लाख विड्रॉ हुए हैं। बाकी रुपए कहाँ गए हैं? मैनेजर, सर इसे मेरा क्या लेना देना, उसका तो वॉचमैन भी है, डिपॉजिट करना ही मेरी जिम्मेदारी है। तब एसआई और वॉचमैन वहां आए। एसआई, डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी भी आपकी और विड्रॉ करने की जिम्मेदारी भी आपकी। ये लीजिए सर इसका सबूत। वो देख मैनेजर दंग रह गया। उसके बाद
मैनेजर ने उस जुर्म के लिए जेल की सजा भुगती। इसीलिए कहते हैं एक ना एक दिन चोर पकड़ा जरूर जाता है, सच है ना पिज्जा। एक बार शंभु नाम का एक व्यक्ति शहर आया। वो यूं ही टहल रहा था कि उसे एक पिज्जा की दुकान दिखाई दी। वहां लोग पिज्जा खा रहे थे। क्योंकि वो पिज्जा पहली बार देख रहा था तो वो हैरान होकर देखने लगा। वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति को रोककर, भाई साहब वो किस चीज की दुकान है, वहां क्या बेच रहे हैं? उस व्यक्ति ने शंभू को ऊपर से नीचे तक देखा और पिज्जा शॉप, वहां पिज्जा बेचते हैं। पिसा, ये क्या नाम है, अच्छा है, उसका स्वाद कैसा है, डोसा की तरह या इडली की तरह? तुम कहां से आए हो भाई, पिस्सा नहीं पिज्जा, उसका स्वाद उसके जैसा ही होता है, अब मुझे छोड़ दो, कहकर वहां से चला गया। शंभू दुकान के अंदर जाने लगा तो सिक्योरिटी ने उसे रोका। शंभू, भाई क्यों रोक रहे हो, क्या हुआ? तुम जैसे को अंदर नहीं जाने दूंगा, तुमने अपने कपड़े देखे हैं, जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जाता हूँ, वैसे एक पिज्जा कितने का होगा? उसमें कई किस्म है, 150 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का है। ये सब एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर वीडियो निकालने लगा। 150 रुपए तो मेरे पास हैं, मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ। 150 नहीं, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए भी हो तो अंदर नहीं जाने दूंगा, जाओ यहाँ से, कहकर जोर से धक्का दिया। शंभू नीचे गिर गया। बाद में वो उठकर खड़ा हुआ और ये क्या अन्याय है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, फिर भी धक्का दे रहे हैं, आपको पैसे से मतलब है या मेरे पहनावे से मतलब है, छी क्या दुकान है, कहते हुए वहाँ से चला गया। घर जाकर, वो पिज्जा डोसा की तरह दिखता है, मैं खुद बनाकर खाऊंगा, यूं सोचकर डोसा बनाया और उस पर कई किस्म के सब्जी काट कर डाला। बाद में उसे खाकर, ना ना बेकार है, वो डोसे से नहीं बनता है, लगता है रोटी से बनाते हैं। बाद में तवा में रोटी डालकर उस पर कई सब्जी काट कर डाले। बाद में उसे खाकर, ये भी बेकार है, लगता है मेरे पिज्जा खाने की इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने इस सब को रिकॉर्ड किया था उसने टीवी चैनल्स को उसे भेजा। बाद में टीवी एंकर, क्या पैसे वाले ही पिज्जा खा सकते हैं? क्यों गरीब नहीं खा सकते? कल शहर में हुई इस अन्याय को आप स्वयं देखिए, एक सिक्योरिटी वाला एक आम आदमी पर किए गए अत्याचार को आप खुद ही देखिए। इस तरह ये सारे चैनलों में आने लगा। ये देख लोग बातें करने लगे, ये क्या अन्याय है, इतनी क्रूरता। अगले दिन एक बड़ी गाड़ी शंभू के घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और अंदर आया। श्रीमान शंभू जी, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, मुझे क्षमा करें, मैं उस पिज्जा की दुकान का मालिक हूँ, उस सिक्योरिटी को मैंने काम से बर्खास्त कर दिया है। परसों जो हुआ वो टीवी में प्रसार हुआ और मंत्री जी को पता चल गया, उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि यदि आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो दुकान बंद कर देंगे। ये लीजिए आपका मुआवजा, इतना ही नहीं ये सारे पिज्जा आपके लिए ही है, कृपा करके इस बात को आगे ना बढ़ाएं। कहते हुए पिज्जा का बॉक्स उसके सामने रख दिया। बाद में शंभू पिज्जा खाकर खुश हुआ।